25 अगस्त से 30 सितंबर असली खेल शुरू। मेष राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कई ग्रहों का गोचर 25 अगस्त से शुरू होगा और 30 सितंबर तक का स्थिति रहेगी। इस बीच में दो तीन ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और जब एक से अधिक ग्रह का परिवर्तन होता है तो कई मामलों में विशेष बदलाव देखने को मिलता है। आज के वीडियो में जानकारी देंगे मेष राशि वालों का 25 अगस्त से लगा करके 30 सितंबर तक का राशिफल क्या कह रहा है, किन मामलों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए और किन मामलों में आपको बढ़िया रिजल्ट मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, यह राशिफल आप लग्न पर लगा करके देखें अगर आपके पास लग्न कुंडली है तो। अगर लग्न कुंडली नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है, आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार या चंद्र राशि के अनुसार देख सकते हैं और उसी के अनुसार उपाय करें। लेकिन अगर लग्न कुंडली है तो उपाय भी लग्न के अनुसार करें और यह गोचर भी लग्न पर लगा करके देखें, सटीकता ज्यादा मिलेगी, उपाय का फायदा ज्यादा मिलेगा। शुरू करते हैं राशिफल। उससे पहले जानकारी देंगे कि ग्रहों की स्थिति क्या है, किस प्रकार से बनी हुई है आपके कुंडली में। 25 अगस्त को आपके कुंडली में शुक्र देवता राशि परिवर्तन कर जाएंगे और ये शुक्र देवता कन्या राशि में नीच के हो जाएंगे। आपकी कुंडली में शुक्र धन का मालिक होता है और साथ ही साथ शुक्र आपकी कुंडली में सप्तमेश भी होता है। हालांकि जब ये नीच के होंगे तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। मंगल देवता जो कि आपके मुख्य ग्रह हैं, ये अपने परम दुश्मन के घर में अर्थात बुध के घर में मिथुन राशि में 26 अगस्त को गोचर करने लगेंगे और पूरा सितंबर यहीं पर ये विराजमान रहेंगे। सूर्यदेव शुरुआत में गोचर कर रहे हैं अपने ही घर में, अपनी ही राशि में, लेकिन सूर्य का गोचर कन्या राशि में 16 सितंबर को हो जाएगा। बुध देवता जो वर्तमान में गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में, ये सिंह राशि में 4 सितंबर से लगा करके 22 सितंबर तक रहेंगे और फिर उसके बाद 23 सितंबर को बुध देवता राशि परिवर्तन करके अपने ही घर में उच्च स्थान में कन्या राशि में भ्रमण करने लगेंगे। ये है ग्रहों की स्थिति। गुरु का, शनि का, राहु का, केतु का, इनका गोचर तो यथावत ही रहता है और यथावत ही रहने वाला है इस वर्ष। जानकारी देंगे सबसे पहले उन व्यक्तियों की जो लोग नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी करने वालों के लिए स्थिति अभी लंबे समय तक का बढ़िया बनी रहेगी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि तो आपकी कुंडली में मंगल देवता जो कि आपके मुख्य ग्रह हैं भाग्य भाव पे डाल रहे हैं दृष्टि, जिसके प्रभाव से भाग्य भी आपका जबरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा और वहीं पर मंगल की एक दृष्टि अपने उच्च भाव पर भी पड़ रही है। इसका मतलब ये रहा कि कार्य क्षेत्र में तरक्की होना, बॉस उच्च अधिकारी का साथ मिलना, कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के चांसेस मिलना, ऐसे योग 25 अगस्त से लगा करके 30 सितंबर तक लगातार बनते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके बढ़िया फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। व्यापारियों की यदि स्थिति देखें तो आपके लिए भी स्थिति बढ़िया बनी है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, व्यापार आपका बढ़िया चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। विद्यार्थियों की यदि बात करें तो शुरुआत में जो शिक्षा के मालिक हैं शुक्र सूर्य देवता, वो अपने ही राशि में बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि 15 सितंबर तक का शिक्षा आपकी बहुत बढ़िया होती हुई दिखाई पड़ेगी, उसके बाद थोड़ा मेहनत अधिक करनी पड़ेगी आपको 16 सितंबर से, तब आपको बढ़िया रिजल्ट मिलता रहेगा। लेकिन परेशान इसलिए नहीं होना है क्योंकि उच्च शिक्षा का भाव मजबूत है, भाग्य मजबूत है, दैवी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, इसलिए
विद्यार्थियों के लिए स्थिति आप कह सकते हो ठीक ठाक बनी हुई है, कोई चिंता की बात नहीं है। संतान प्राप्ति के योग आपकी कुंडली में 15 सितंबर तक का बनेंगे। 15 सितंबर के बाद जो है संतान प्राप्ति का जो योग बना हुआ है वो समाप्त हो जाएगा। प्रेमी जोड़ों के लिए स्थिति ठीक ठाक है, कहीं दिक्कत नहीं है, प्रेम आपका बढ़िया चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप विवाहित हैं, शादी आपकी हो चुकी है, तो मान के चलो जैसे ही शुक्र देवता 25 अगस्त को नीच के हो जाएंगे तो 25 अगस्त से लगा करके 17 सितंबर तक का शादीशुदा लोगों के लिए स्थिति ठीक नहीं रहेगी। क्योंकि एक तो एक शुक्र छठे भाव में नीच का होगा, केतु राहु के बीच में बैठा होगा तो पीड़ित होगा, ऊपर से मंगल की चौथी दृष्टि भी शुक्र को पीड़ित कर रही है, तो बहुत बढ़िया शादीशुदा लोगों के लिए समय नहीं है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको सामंजस्य बना के रखना चाहिए ताकि आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। किसी भी प्रकार से यदि शेयर मार्केट में आप निवेश करते हो तो सावधानी से काम लेना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। सट्टेबाजी से दूर रहेंगे तो खुश रहेंगे, अन्यथा कहीं ना कहीं दिक्कत आपको हो सकती है, ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा जो लोग किसी भी प्रकार का कोई नया काम करना चाहते हैं वो शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही आपको एक चीज बताई थी कि आपके कुंडली में भाग्य भाव मजबूत चल रहा है, और जो कि लंबे समय तक का यानी कि 25 अगस्त से लगा करके पूरा सितंबर दैवी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। कहते हैं यदि भाग्य साथ दे तो ऐसे में जातक कुछ भी करे सफलता मिलने की गारंटी ली जा सकती है या दी जा सकती है। तो दैवी कृपा आपके ऊपर अभी पूरा सितंबर रहेगा, ये आपके लिए बढ़िया पॉइंट बना हुआ है, तो कुछ करना चाहते हो तो कर डालो। इसके अलावा अगर बात करें मान सम्मान की तो आपके कुंडली में लग्न और लग्नेश किसी भी प्रकार से पीड़ित नजर नहीं आ रहा है, और ये 30 सितंबर तक किसी भी प्रकार से पीड़ित होंगे भी नहीं, क्योंकि काफी अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। बेशक ये शत्रु राशि में हैं, लेकिन जिसके राशि में गोचर कर रहे हैं वो शुरुआत में केंद्र में और उसके बाद पंचम भाव में गोचर करेगा। इसका मतलब ये रहा मान सम्मान पे आपके आंच नहीं आएगी, शुभ ग्रह के राशि में बैठे हैं, हो सकता है नौकर चाकर आपके जो भी हैं उनसे बहुत बढ़िया आपकी न पटे, छोटे भाई बंधुओं से बहुत अच्छा आपका तालमेल न बैठे, तो इससे आपको घबराना नहीं है, धीरे धीरे स्थिति आपकी सामान्य होते हुए बढ़िया होते हुए दिखाई पड़ेगी। यात्रा अगर करना चाहते हो, देश विदेश जाना चाहते हो, आप जा सकते हो, चाहे घूमने फिरने या काम कारोबार के सिलसिले में। स्थिति आपके अनुकूल बनी हुई है, इसका लंबे समय तक का सभी मेष लग्न और मेष राशि वालों को फायदा मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। आने वाले समय में जबरदस्त तरीके से स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। जिन लोगों का स्वास्थ्य किसी भी प्रकार से डामाडोल चल रहा है उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन सुधार लाता हुआ दिखाई पड़ेगा, और जब स्वास्थ्य अच्छा होता है तो गोचर के अकॉर्डिंग पराक्रम भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ये रहा एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा रहेगा, जो कि आपको आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। अगर अंत में अब आर्थिक स्थिति की और उपाय की बात करें तो आपकी कुंडली में आर्थिक स्थिति पूरा समय बढ़िया बनते हुए दिखाई पड़ रही है। कोई भी काम करते हो छोटा बड़ा, पैसा निरंतर आपके पास आता हुआ दिखाई पड़ेगा। किसी न किसी माध्यम से आय के स्रोत आपके खुले रहेंगे, और बढ़िया प्लस पॉइंट ये बना हुआ है कि पैसा आपका बचता हुआ भी दिखाई पड़ेगा। इस समय थोड़ा आपको एक दो सावधानी बरतनी चाहिए। पहली चीज, अगर आपकी शत्रुता बहुत ज़्यादा है तो शत्रुओं से आपको सचेत रहना चाहिए।
अनावश्यक किसी से शत्रुता नहीं पालनी है, पहली सावधानी तो ये रखनी है। दूसरी सावधानी ये रखनी है, वैवाहिक जीवन में तालमेल मेल बैठा करके रखें, छोटी छोटी बातों को अवॉइड करना सीखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय आपके लिए सर्वोत्तम दो हैं, जो आपको उचित लगे वो करिएगा, अगर दोनों कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। एक तो एक हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का नित्य प्रतिदिन पाठ आपको करना है, इससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह जबरदस्त तरीके से होगा। और यदि आप समय दे सकते हो तो 5 मिनट लगता है, ओम गुरुवे नमः 108 बार प्रतिदिन जप करिए। आर्थिक स्थिति और भाग्य आपका कई गुना ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। आने वाला समय उत्तम है, इसको कैश करिए। कुछ नया करना चाहते हो तो कल डालिए। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल मिलते हैं। नमस्कार।